दोस्तों हर तीसरा व्यक्ति हम लोगों के पास आता है या कहीं चिकित्सक के पास जाता है और उसकी एक सामान्य सी समस्या होती है कि डॉक्टर साहब हमारा बीपी बहुत कम हो गया, हमारा बीपी घट जाता है तब ये होता है, या कहता है हमारा डॉक्टर साहब बीपी बढ़ गया, ये हमें तकलीफ है, जबकि उन्होंने ब्लड प्रेशर को नपाया भी नहीं, ना उन्हें जानकारी है उनका ब्लड प्रेशर था कितना। उनके दिमाग में ही जाता है कि ब्लड प्रेशर हमारा घट गया। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आपसे अनुरोध करेंगे हमारे वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी कुछ जानकारियां मिल सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग शुक्ला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। लो ब्लड प्रेशर जिसे हाइपो टेंशन भी कहा जाता है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो जाता है। ये तब होता है जब हार्ट शरीर के अन्य भागों को पर्याप्त रक्त या ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है। सामान्य ब्लड प्रेशर 120-80 होता है और 90-60 से कम होने पे, ऊपर वाला 90 नीचे वाला 60 से कम होने को लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसके लक्षणों में चक्कर आना, थकान महसूस होना, कमजोरी लगना, धुंधला दिखाई पड़ना, सरदर्द होना, जी मिचलाना, नौजिया, उल्टी जैसा महसूस होना, बेहोशी, ठंड लगना, स्किन का कलर हल्का पीलापन हो जाना। लो ब्लड प्रेशर के कई कारण हो सकते हैं जिनमें पानी की कमी से, इसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, ब्लड की कमी से एनीमिया, हार्ट पेशेंट अगर होते हैं उनको दिक्कत आती है, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कमजोरी आने पे, तनाव महसूस होने पे, इनको कैसे हम सही करें। पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए, पानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। आप नारियल पानी, नींबू पानी या इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थ भी पी सकते हैं, इलेक्ट्रोल टाइप का कॉफी पी सकते हैं, नमक का सेवन करें, थोड़ा सा नमक सेंधा नमक पानी में मिलाकर पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सेंधा नमक आप अपने भोजन में थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं, नहीं भोजन में मिला सकते हैं, थोड़ा सा सलाद खाइए, सलाद में डाल दीजिए, थोड़ा सा अलग से नमक रख लीजिए। कैफीन से बढ़ता है, कॉफी में होता है, आप एक कप चाय या कॉफी पी सकते हैं। नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहें, एक्सरसाइज जरूर करें, आप योग, चलना और दौड़ना जैसे व्यायाम कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर के लिए पौष्टिक आहार बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और डेयरी उत्पादों को शामिल कर सकते हैं। आप आयरन, विटामिन B12 और फोलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। पैरों को ऊपर उठा के रखने से भी आपको आराम मिलेगा, जब आप बैठे या लेटे हों तो अपने पैरों को उठाना या ऊपर थोड़ा उठाना ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप एक तकिया या स्टूल का उपयोग कर सकते हैं पैरों को ऊपर उठा के रखने के लिए। अगर आपको तनाव है, तनाव लो ब्लड प्रेशर का एक सबसे आम कारण होता है, तनाव लेंगे तो उसमें कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। योग, ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके आप तनाव को कम कर सकते हैं। म्यूजिक सुनिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए। पर्याप्त नींद लेना रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकता है। हर रात 7-8 घंटे की नींद आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। स्मोक जो है वो ब्लड सेल्स को डैमेज करता है और ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। यदि आप धूम्रपान करते हैं इसे तुरंत बंद कर दें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं तो उसको भी बंद कर दें, क्योंकि शराब रक्तचाप को कम कर सकती है। यदि आप शराब पीते हैं तो उसका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो अपने चिकित्सक को दिखा सकते हैं। यदि आपको लगातार ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो अपने चिकित्सक को दिखाएं। यदि आपको ब्लड प्रेशर के लक्षण जैसे चक्कर आना, बेहोशी होना या सीने में दर्द है, अपने चिकित्सक को दिखाएं।
यदि आपको कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है जैसे कि हार्ट या शुगर, तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं। लो ब्लड प्रेशर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपको आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप उसको चेक कराएं। ये नहीं है अपने मन में सोच लिया कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अगर 90 और नीचे वाला 60 इससे कम है तो तुरंत अपने चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उनको अपनी पूरी हिस्ट्री दें ताकि वो ये समझने में ज़्यादा देर न लगाएं कि ब्लड प्रेशर की समस्या क्यों हुई है। अगर आपके पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ज़्यादा स्वेटिंग हुई है, आप बिल्कुल नहाएंगे जैसे गए हैं, तुरंत अपने चिकित्सक से मिलें। अच्छा, एक बात और हम कह रहे हैं कि तनाव अगर लेंगे, अगर आपको कोई किसी प्रकार का एंजाइटी है तो ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ब्लड प्रेशर लो है ही। आप चेकअप जरूर कराएं। ब्लड प्रेशर की मशीन आती है, मोस्टली लोग घर में रखते हैं, नहीं भी है तो आपके आस पड़ोस में कहीं कोई ना कोई तो क्लिनिक होगा, आप वहाँ जाएं ब्लड प्रेशर चेक करा लें। ब्लड प्रेशर चेक कराने से आपको पता चल जाएगा कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। पानी का इस्तेमाल हमेशा ज़्यादा करें। हमारे हर वीडियोज में लगभग हम बताते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बहुत सी समस्याओं का हल केवल पानी से है, लेकिन लोग पानी पीते नहीं। क्या करेंगे, मेरा प्यास ही नहीं लगती। अरे जैसे भूख लगती है वैसे प्यास भी लगनी चाहिए। एक बिस्किट खाइए, एक गिलास पानी पी लीजिए, पानी पूरा होता रहेगा बॉडी में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि प्यास नहीं लग रही तो आप पानी नहीं पी रहे हैं। गर्मी आने वाली है, पसीना भी निकलेगा और पानी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होगी। पानी जरूर पिए। उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।